हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, खुश रहिए। तो सबसे पहले गौतम जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बिहार पैरामेडिकल 2021 की परीक्षा में बहुत अच्छा रैंक प्राप्त किया है, बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त किया। साथ ही साथ आपने अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश को भी आपने ऊँचे मुकाम तक पहुँचाया। सो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले सर धन्यवाद। आप ये मतलब आपके चैनल का सब आपको आपका ये चैनल फॉलो कर रहे थे 1 साल से। इसी का यह ओके, नतीजा है अच्छा, कि पैरामेडिकल 2021 में जनरल रैंक 29 और कैटेगरी रैंक 10 आया है। तो गौतम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बिहार पैरामेडिकल 2021 की परीक्षा में कितना मार्क्स प्राप्त किया, आपका क्या रैंक रहा? इस समय आपको हजारों की संख्या में स्टूडेंट देख रहे हैं और आप जो है हजारों स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशनल के रूप में हैं। सो आप बताइए कि आपका कैटेगरी रैंक क्या रहा, आपका मार्क्स कितना रहा बिहार पैरामेडिकल 2021 की परीक्षा में? सर मेरा कैटेगरी रैंक 10 है और मेरा मार्क्स 290 आया है पैरामेडिकल 2021 की परीक्षा में। हाँ, सो लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा गौतम जी आपसे कि आपने जो है बिहार पैरामेडिकल 2021 की परीक्षा के लिए आप कितना घंटा पढ़ते थे, आपका टाइम टेबल क्या था, आप बताइए ताकि आपके द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मोटिवेशन हो। सर जैसे कि मैं मतलब शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो इसमें मैंने पैरामेडिकल की तैयारी के लिए 3 से 4 घंटे मैंने रेगुलर स्टडी किया है। तो सर कंटिन्यूअस स्टडी बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए। मतलब लगातार मतलब कि कंटिन्यू में पढ़ना चाहिए। मतलब कि 3 से 4 घंटे रोज पढ़ता था मैं पैरामेडिकल के एग्जाम के लिए। तो चलिए गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस YouTube चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया और आपने अपना स्ट्रैटेजी शेयर किया विद्यार्थियों के साथ कि कम से कम जो है 4 से 5 घंटा अगर स्टूडेंट पढ़े तो इस पैरामेडिकल के एग्ज़ाम को इजीली तरीके से क्वालिफाई किया जा सकता है ना? एक एवरेज स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एक बार फिर से जो है हार्दिक शुभकामनाएं। आप अब एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा गौतम जी, आप जैसे आपने पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया तो आपके मन में भी एक होगा ना कि हाँ हमको ये कोर्स लेना है, तो क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपको कौन सा कोर्स लेना है? आपको यहाँ पे तो आपको कोई सा भी कोर्स मिल सकता है इजली, आपका रैंक इतना अच्छा है, बट आपका एक ड्रीम होगा ना कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आप बताइए। जी सर, मैं इसमें पैरामेडिकल में 2 कोर्सेज के बारे में सोच रहा हूँ। एक लैब टेक्नीशियन, अगर पीएमसीएच में मिलता है तो लैब टेक्नीशियन कोई एक ऑप्ट करूँगा। अच्छा, एक लैब टेक्नीशियन हो गया और दूसरा कोर्स क्या आपने बताया? डिप्लोमा इन फार्मेसी। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा सोच है आपका, आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो बहुत अच्छा कोर्स है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें फ्यूचर ब्राइट है। तो वैसे तो आपको दोनों में से कोई सा भी कोर्स इजली मिल जाएगा, ठीक है? गौतम जी, आज के इस इंटरव्यू को यहीं पे जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है? धन्यवाद थैंक यू। सर।